वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम की कर रहे हो पुत्र है पढ़ाई शड़ाई नहीं की थी अब जैसे पहले आज मिस ने वो नहीं दिता वो की कहते ने वो घर का वर्क होमवर्क होमवर्क हाँ है किता है कर लिया माँ जी की कर रही है तुम्हारी अस्सलाम वालेकुम ओए ओए की है अब जी काका काका देख ले साबरा दाल ये ते ऐत की होना भी काका ही चाहिए मैंने ते काका चाहिए रब दे कमाई कौन शरीफ हो सकता है नन्नी दे अब्बा ते नाले तिया रब दी रहमत हुंदी ने वो ते ठीक है पर नस्ल जेड़ी है ना वो पुत्रा नाल ही बद्दी है तिया दा की है वो ते पराया तन ने अज इथे ते कल किधरे होर कर दिल छोटा नहीं करीदा अकबर रब दा शुक्र अदा कर जिन्हें तेन धिया वर्गी दौलत दिती है अपने हसियार वाले झाती मार जिदे घर कोई औलाद नहीं मैं मानना सलमा औलाद ना होने का दुख व्यू तो ज्यादा मान होता है पर तू ये क्यों भूल जानी कि रब दे घर ते अनहेर नहीं ए, ए खाली पंगुड़ा सामने रख के ना रोया कर रोना मायूसी दी निशानी ते मायूसी सोने रब दे नजदीक गुनाह है हाँ सरमा गुनाह की गल ने सवेरे सवेरे साडियां पुत्रियां साडे सिर ते आन खलोतियां ने कुछ कहना चाहंदियां ने अब जी मुस्कारे से फीस दे दो फीस सर अब जी मुस्कारे से वो फीस मिले फीस नहीं तुम मिली साबरा साबरा की गाने की बच्चियां दी फीस नहीं भिजवाई ऐसी मेरी तनखा राशन की दवाइयां भी लग गई है तो पहले दसना सी ना साबरा तो हूं दिन दे दिन दस रही है अच्छा बच्चो तुम जाओ स्कूल ते मिस नु कह देना कि फीस पहुंच जाएगी शाबाश शाबाश बच्ची ने तो कुछ डाल देता ओ जाएगा बंदोबस्त मैनेजर नाल कर करांगा नहीं क्या तुम रोटी तो खा लो तभी रोटी नहीं बन गई रोटी के चक्कर विच ना पा जे मैं रोटी खान लग पिया तो मैनेजर नाल मुलाकात नहीं हो सकती इंजली सादा तेल दो दिया चक्का नाल ही भर जाता है फीस ना होने की वजह तो तेरे बच्चों का ना खबरे कटे जाने के नहीं मैनू लगता है तू इस फैक्ट्री चो अपना ना जरूर कटवा लेंगा मैं हैरान हाँ कि तुहाडे लोकां दा तनखाह गुजारा नहीं हुंदा रोज एडवांस मंगण आ जांदे हो ए गल नहीं है मैनेजर साहब दरअसल मेरी बीवी उम्मीद ना ले इस दफे बच्चियां दी फीस दे पैसे डॉक्टर दी दवाइयां ते लग गए ने हाली ते तेरियां दो बच्चियां ने तीन हो गईयां ते फिर की करेगा ए बद्दुआ ना दियो मैनेजर साहब मैनू पूरी पूरी उम्मीद है अज के अल्लाह ताला मैनू पुत्र देवेगा पुत्र हो गई अति असी कोई ठेका नहीं लिया आया कि तेरी बीवी रोज बच्चा जम्मन का ड्रामा करेगी ते असी रोज ही तेनू पैसे देंदे रहांगे शोर पाने की जरूरत नहीं मिस्टर अकबर मैं इस फैक्ट्री का जिम्मेदार अफसर हूं दी हैसियत च तेरा नाम इस फैक्ट्री के मजदूरों की लिस्ट चों खारिज करना अकबर के नाम तुहानू इन्ने क ना खारिज करने पैणगे मैनेजर साहब कि तुसी कल्ले रह जाओगे ते फैक्ट्री बां बां करन लग पेगी की मतलब गरीब दी गल दा मतलब ताडी समझ जरा देर नाल ही आंदा है ओ इसलिए कि जे ताडे घरां च बच्चा जम्मन दा ऐलान होवे ते तुसी ओदे लई 6 महीने पहले ही किसे आया दा बंदोबस्त कर लैंदे हो ते जे कोई गरीब अपनी खुशी लई 10 रुपए भी वध खर्च लवे ते तुसी ओदे कोल ओदी रोजी खो लैंदे हो बस कर दियो मैनेजर साहब बस कर दियो जान दियो बंदे हो ते बंदे ही रहो खुदा बनन की कोशिश ना करो बकवास बंद करो ए मैं हुणे सेठ साहब नाल गल करके तुहाडा बंदोबस्त करना हेलो हेलो सेठ साहब ए फैक्ट्री के मजदूरों ने काम करने तो इनकार कर दिता है की वजह हुई वो इसलिए कि फैक्ट्री का एक मजदूर अकबर नू आए दिन एडवांस मंगन की वजह तो मैं नौकरी तो जवाब दे दिता है ते ओदे जवाब विच ओदा यार मजदूर लीडर सिकंदर
फैक्ट्री बंद करने की धमकी दे रहा है। मौके दे नजाकत नूं समझ मैनेजर, अकबर नूं 1000 रुपया एडवांस दे के मामला रफा दफा कर दे। ओके जी। अकबर तू कैशियर को जाके 1000 रुपया वसूल कर ले। मेहरबानी मेहरबानी मैनेजर साहब मेहरबानी। आया यार सिकंदर, तेरी वजह नाल मेरा काम बन गया। जे पैसे ना मिलते तो मैं किस मुंह नाल बच्चों के सामने जाता। ओए चलिया, तू इन्हां सरमायेदारां नूं नहीं जानता, ये विचों बड़े चीड़े होंदे नी, इन्हां तो डर जाओ ते सिर ते बह जांदे नी। आ मुंशी जी, उस दवाइयां की वजह तो घर के हालात जरा तंग हो गए नी। अमीरी ते गरीबी कदी दस के नहीं आंदी। मेरे पैसे जेब कटी गई। मैं क्या वो जेब च पैसे भी है सन या हर रोज की तरह खाली सी बिलाना उची है तो कह सकना है खाली हाथ जाना बिलाना फिक्र ला दे। मैं जुम्मेरात ना पैसे जरूर लेके जावगा बिलाना बनेगा सरताज। मेरी बात समझ नहीं आती। मैं तो सोच रहा जिन्हें मैंने पैसे दवाए सन अपनी नौकरी डाते ला के मैंने पैसे दवाए सन, जो जो पता लगेगा तो वो दिल से की गुजरेगी। परेशान नजर आ रहा है। कारण लगे रस्ते जेब कट गई। बहुत बुरा होया, हुण की होएगा? सलमा तेरे कुल कुछ नहीं, मेरे को तो कोई पैसा नहीं। हाँ, चूड़ी है ना, इसे जाके बेच के तुरी जरूरत पूरी कर दियो। उस बेचारे ने ते बच्चों दी फीसां ते मकान का किराया भी देना होना। हेलो, अल्लाह तेनू इस नेकी दा बड़ा अच्छा जिर देगा। सब वो चूड़िया ते पाबी दे सुहाग दी निशानी सन यार। और फलिया सुहाग सलामत रहन, निशानियां वापस भी आ जांदी। एहसान भी न चला के मैं ला भी ना सका। पर चलिया एसान का तू यार है मेरा, ते ए मेरा फर्जी। पर तेरे घर नहीं तो बच्ची बचा वाला है, तेरा की बनेगा? तू मेरी फिक्र ना कर, मेरा अल्लाह मालिक। मैं भी किदा बदकिस्मत रहा कि बार बार तेरा बोझ बन रहा। ना यार ना, खुदा दे वास्ते यह गल ना करा कर। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया च होर है भी कौन? गिरफ्तार कर अपने मेरा भी मुंह काला करेगा। मैं अपने हथी कानून के हवाले करना। जाओ ले जाओ इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ अपनी लालो हलदार।
ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ मैं जो तेरे नाल हां माफी चाहना यार मैं तेरे जज्बात नु छेड़ देता वैसे गल याद रखी सिकंदर मैं तनु तेरी जिंदगी विच भरा दी कमी महसूस नहीं होण देंगा गला शुरू करो मौलवी साहब औज बिल्लाह नशी मौलवी साहब मेरा ख्याल नकाह शुरू होने तो पहला मैं एक नजर जहेज नु देखना चाहता हाँ देखो शक देखो आओ आओ मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी दे सकता सर वो सब कुछ थोड़े सामने अपनी हैसियत की नुमाइश करके साड़ी हैसियत का मजाक ना उड़ा कर पर तुसा पहले तो मेरे ऐसी कोई गल नहीं की खलीफा जी मैनू की पता सी कि तू एडाई गया गुजर तो तू तो बिल्कुल खोता खुच सुट दिता मेरी गुरबत जिन्ना मर्जी जे मजाक उड़ा लो खलीफा जी रब का वास्ता जी मेरी मस्कीन ती ते नसीबा नाल कोई इहो जिहा मजाक ना करना करमो असी इस माशरे च रहने ते चार शरीफ आदमी साडी इज्जत करदे ने इसे लिए मैं अपना सिर चुक के अपने पुत्र दे सिर ते सिरे ला के तेरे करा ते तू चाहना कि मैं तेरे जिहे गरीब आदमी दी धी दी डोली ले जा के पूरे जग दा मजाक बन जावा ना मैं ते सब कुछ सोने नबी की सुन्नत के मुताबिक दिते खलीफा जी आया दौर गुजर गया करमो भाई जो लोग अपनी धी तिना कपड़िया च पलेट के हाथ च एक मिट्टी का लोटा फड़ा के उन्हें मुसले का कुंड कटवा के डोली च दफन कर देंगे सन पर अजकल तेन शायद पता नहीं कि उस मुसले की थां कालीन चाहिए तिना कपड़िया की जगह करमू भाई बनारसी साड़ी चाहिए हाथ विच लोटे की जगह नोटा का भरिया होया ब्रीफकेस चाहिए अजकल की औलाद बहन वास्ते वो पीढ़ी नहीं सोफा मंग दिए आराम करने वास्ते टूटी हुई मंजी नहीं डबल बेड मंग दिए वेखण वास्ते तेरे जिया मनोज सूरत नहीं रंगीन टीवी ते वीसीआर मंग दिए कच्ची कुल्ली नहीं कोठी मंगती है करमू तेरे बस का रोग नहीं इसलिए बार आप वापस जाएगी चलो बुढ़िया नहीं नहीं मेरी गल सुनो मेरी गल सुनो इस गरीब नूं वेड़े विच जिंदा दर गौर करन आ लियो कभी यह भी सोचा जे जे दी थां ते तुसी होंदे तो फिर की होंदा तू कौन है भाई एक गरीब जरा दूजे गरीब की इज्जत नूं रुलदिया नहीं वेख सकता तुसी भी इंसान हो ये भी इंसान है बल सब दा इक्को ही है इहदे च कोई उच नीच नहीं फिर 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 कदा फर्क है ओ खुदा दा वास्ता जी इहदे ते रहम करो बस बस भाई बस अगर तू इहनां दा एड्डा ही हमदर्द है ते फिर सारा कुछ तू पूरा कर मैं चल मेरी इज्जत मिट्टी च ना रोलो मैं तेरी कोई गल नहीं सुननी करूंगा चल चल
चाचा चाचा औलाद फैसला करी दे फिर अज एक मां भी अपनी सबर की इंतहा कर देगी टुटी हुई मंची नहीं डबल बेड मंदी है वेखण वास्ते तेरे जिया मनहूस सूरत नहीं रंगीन टीवी ते वीसीआर मंदी है औलाद दी चलक वखा के बे औलाद कर दिते यार ओ यार मैं तेरी गल का मतलब नहीं समझिया मतलब है वे अकबर आज तेरी परजाई ने हस्पताल च मुर्दा बच्चे नु जन्म दिता है तो डॉक्टर का कहना है जे होश आन तो बाद उन्हें यह पता लगा कि उन्हें एक मुर्दा बच्चे नु जन्म दिता है तो वो मर जाएगी तेला जानता मैं सलमा नु मरते नहीं वेख सकता इसलिए एक यार ते बोए ध्यान खलोता पर तू गैरा वांगू बाहर क्यों खलोता है यार अंदर आ
नहीं अकबर, आज मैं तेरे बुए ते एक सवाली बन के आया। ते सवाली हमेशा बुए ते खुलो के सवाल करते ने। बुझाता ना पाया, खुल के गल कर, वो तेरे लिए ते मेरी जान भी हाजिर है। तो फिर अपने जिगर का टुकड़ा मैं बलि पा दे यार। कुछ भी सोचन तो पहले मेरे बदे हथल वेख पर नले यार, मैं ते सारी जिंदगी च कदी भी तेरे को कुछ नहीं मंगया। जो हुण तू इनकार किया तो सलमा मर जाएगी। वो मर गई तो साड़ी यारी का मान टुट जाएगा, मान टुट। नहीं जानवर नहीं, तुसी अपनी यारा ने तू कंधा देने वास्ते एक ममता की चोली खाली नहीं कर सकते। तेनू अपने सीने नाल ला के जिन्ना रो सकनी है रो ले सावरा, रो ले। मैनू मैनू जालम ते संगदिल कह के जिन्ने ताने मार सकनी है मार ले, पर ना तेरे वैण मैनू रोक सकते ने ते ना तेरे गिले मैनू मुतसर कर सकते ने। मैं याराने दी सूली ते चढ़ जाना ही सावरा, चढ़ जाना ही। तुसी मैनू मार के बच्ची ले जा सकते हो? नहीं सबरा, मैं बच्ची ले जा, नहीं मैं बच्ची ले जा रही हूँ। मेरी बच्ची मैं नहीं करूंगी। सबरा बच्ची मेरी आवाज, अपने मन हो गया अजिक बीवी अपने मजाज खुदा की नाफरमानी नहीं करेगी। ले जाओ एक मां के दिल का खून, सारा ने दिया कमजोर कंधा ही दहन कर दो मेरी बच्ची। दूजी मां की जान लै डॉक्टर साहब। हेलो खुशी तो इस गल की है मिस्टर सिकंदर कि अज के दौर में भी इंसान नवा फरिश्ते मौजूद ने जेडे दूसरों के घर का चिराग बालन लिए अपने दिल का खून फेर बना देंगे ने। कहते तो तुम ठीक हो डॉक्टर साहब, पर जिस बेचारी के जिगर का टुकड़ा मैं लाया ते गम नाल पागल हो गई होनी। तनु रब दा वास्ता जी, मैनू एक बारी मेरे जिगर दे टुकड़े नाल मिला दिओ। मेरा दिल डुब रहा है, मेरा दिल डुब रहा है। अपने दिल नू संभाल साबरा, अपने दिल नू संभाल। किसी ते एहसान करके उनू याद नहीं करीदा। पर मेरी ममता दी प्यास कौन बुझाएगा, कौन बुझाएगा? हिम्मत दिखती है वो भी सबर भी देगा। सबर सबर कर, हौसला कर। हाँ एक गल मेरे जहने चाहिए, ते वालों सबर की कंध करन लई क्यों ना असी अपना एक घर छट दईए, नाले मैं अपनी नौकरी नहीं छड़ देना वहां से भी जाऊँ। की हाल है तेरा? तुसी मेरे वजह से खुद आओ, ताड़ा हुकम मेरे लिए रब दा हुकम, पर मेरी तो दुआ है रब मेरी तेल मेरी उम्र भी ला दे,
देख ला भैना, रब ने तेन तेरे सबर का कि सोहना फल दिता। दुआ कर भैना कि यदा मुकद्दर भी खूबसूरत हो, मां प्यो की आफ्ता तारा बनी रहे। ते नाले भैना मैं तो यदा जहेज भी हुने तो बनाना शुरू कर दिता है, इसलिए कि तिया से तरीक वाद्या कोई देर नहीं लगती। हजारां दी छठ लखां दी गल कर, लखां दी गल सुनो ना मेरी। अच्छा एक लख मैं कहना, लखां दी गल करके नी एक लख मैनू नहीं पता, आप ही दस दियो। साड़ी निकली है कमेटी पूरे 10 लाख की। 10 लाख रहन दियो, झूठ बोल जरा तेरे मेरे। अल्लाह दी कसम है मैं झूठ नहीं मैं बोलता। ए वे कमेटी नहीं, साड़ा रेफल टिकट निकले पूरे 10 लाख का। ते ते यकीन नहीं ना, ते अल्लाह अखबार ते लै जा अपने फुफड़ को, तेरा नंबर बढ़वा ले। सच जदों दी करम वाली दिन साढ़े घर आई है, साड़ी तो किस्मत का सितारा ही बदल गया। मैं तो लगता है मेरे हर पास शादमानी शादमानी है। मैं तो हूँ अपनी इस करम वाली दी का नाम भी शादमानी रखांगा, शादमानी। जिंदगी चाहिए है टैक्सी ड्राइवर, ऐसे वेले सानू फौरन साढ़े अड्डे ते पहुंचा, इस लई कि साढ़े पिछे पुलिस लगी हुई है। मैं अपने बच्चे नूं हस्पताल लैके जा रहा हाँ, जे टाइम तो ना पहुंचा तो मेरा बच्चा मर जाएगा। ताड़ी मेहरबानी, तुसी दूसरी सवारी का बंदोबस्त कर लो। ज्यादा गल ना कर, ओए चुप करके साढ़े नाल तुर पा। खुदा का वास्ता मैं जान दो, बच्चे चुप के बाहर सुटते हो, टैक्सी को खोलो। रब का वास्ता मैं जान दो, अल्लाह का वास्ता मैं जान दो। Yeah.
अपना ब्रीफकेस। ए ब्रीफकेस मेरा नहीं, उन्हें बदमाशा है। मैनू लगता है स्मगलिंग का माल है। फिर तो मैनू यह कानून के हवाले करना पेगा। तेरा इन्हां नाल टकरा किवें होया? मैं अपने बच्चे नूं अस्पताल लैके जा रहा सा ते उन्होंने मेरी रस्ते टैक्सी रोक ली सी। ओ, ज्यादा चोट नहीं आई? नहीं, मैं तेरा किस मुंह नाल शुक्रिया अदा करा? शुक्रिया अदा करन तो पहला तू बच्चे नूं अस्पताल ले जाने वाली गल कर। अच्छा दोस्ता, फिर मुलाकात होगी। जरूर होगी। रब राखा। रब राखा। रब राखा। मरिया कौन लिया सकता? तेनू तो खुश होना चाहिए कि तेरे सिर तो जैसा बोझ टल गया है। खौर नाल देख, मैंने भी हम मुनकरा तेरी नाशुकरी ने तेरे नसीबा से यह जी आवत लिख दी है कि तेरा नाम मिट गया है। तेरा नाम लाने वाला कोई नहीं, तेरा नाम मुझे जान मिट गया है, तेरा नाम मुझे जान मिट गया है। कौन अपनी नफरत लू, कौन अपनी खफलत लू कि बच्चिया सिद्धा कर दे, कौन अपनी अजमत लू कि तेन सलाम करे। तू दुनिया जान दे मुजरम नहीं, अपने समीर तरीके की बढ़ गया है। बस कर सापना, बस कर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं तेरे हाथ जोड़ दिया, तेरे पैर ही पहनी आग बस। मेरी तीसरी बच्ची मैं ले आ दे, तीसरी बच्ची ले आ दे। मैं छिड़कन ला के अपनी ममता की प्यार बुझा लवा बस। जे हम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, मर जावानी, मर जावानी। हाँ मैं मर जाऊंगी। मैं सिकंदर नूं मिलना है। तुम किधर? अकबर तो नहीं? आहो, मैं अकबर हाँ। छेती दसो सिकंदर कितने वे? सिकंदर तो घर छड़ के चला गया है। वो जाने एक रुका दे गया सी तुहाडे नाल। आ जाओ। मेरे मौसम के प्यारे दोस्त अकबर, मेरा एक बहुत बड़ा कीमती नाम निकला तो मैं फैसला किया कि बच्ची नूं आला तालीम दिलाई जाए, इसलिए मैं मुल्क तो बाहर जा रहा हूँ। जो जिंदगी ने साथ दिता तो फिर जरूर मिला। जय जय
गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं नहीं लोगों के बच्चे अगवा करता फिरता की गल है? नहीं 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 सरदार साहब नहीं, मैं चोर नहीं हूं। थाने जान तो पहला हर शख्स यही कहता है मैं चोर नहीं, लेकिन थाने जान तो बाद वो भी मान लेता जरा जुर्म उन्हें नहीं किया होता। ले चलो इन्हों। अकबर जे तू जा रहा है अकबर जान तो पहला मेरी गल गौर न सुन ले, जो जेलो वापस आवे मेरे नाल तेरी धी होवेगी, जरूर होवेगी। मेरा ख्याल है मोहतरमा इस दौर में एडा ईमानदार आदमी कोई नहीं जरा थोड़े जेवरात वापस कर देगा। इंस्पेक्टर साहब इस दुनिया ऐसे लोग ही मौजूद ने जेड़े रिश्ते हलाल खान दे आदि ने। एलो मोहतरमा अपने जेवरात ते इन्हां दी शनाख्त कर ले। जेवरात मेरे ही ने इंस्पेक्टर साहब, ये टैक्सी ड्राइवर इंसान दे रूप च एक फरिश्ता है। तुसी ठीक कहंदे हो मोहतरमा, एक ए टैक्सी ड्राइवर है जिन्हें जेवरात वापस कीते ने, ते एक वो है जड़ा लोगों के बच्चे अगवा करता फिरता। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह बच्चे अगवा नहीं कर सकता, मैं अच्छी तरह जानना वा, एन मेरी जमानत से रिहा कर दियो। एलो मेरी गड्डी दे कागज। मैं इन्हू ताड़ी जमानत रिहा करना वा। तू मेरी जमानत करा के चंगा नहीं कीता। कोई गल नहीं यार, हौसला कर, अल्लाह वारस। यार मैं तेरे ते बोझ नहीं बनना चाहता। एहदे च बोझ वाली केड़ी गल है, मैं अपने मालक की टैक्सी लैके नाले तैनू सुखा देंगा, तू अपनी नवी जिंदगी शुरू कर। ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਲਬ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਤਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तू की किता दोस्ता? जो अल्लाह नु मंजूर होंदा है। अकबर तू मेरे जिगर दे टुकड़े दा ख्याल रखे। नहीं अब्बा, तू मेनू कले डट के नहीं जा सकता। नहीं नाद, आज तो बाद तेरे लिए सब कुछ अकबर है। तालीम दी ओ पौड़ी है जिदे ते पैर रख दिया होया इंसान बहुत वड्डा असर बन जाता है। तेरा जख्म ठीक होगा ना, तू भी स्कूल जाएगा। नहीं लाला, मैंने तो तू किसे हो जे स्कूल छड़ा चिते तक काम दी तबीयत दी जाती है। नहीं नादर, नहीं ऐसी गल नहीं करनी चाहिए। इलम इंसान नु इंसान बनाता है, ते इंतकाम इंसान नु बदला लैण दा पर सिखाता है। आखिर तू जानना की है? जो तुझे करना नहीं ये कर सकते हो कि मेरे हाथ इस क्राशन से मध्य दिन तक आंधे लाने से जाते हो
दुश्मनों की शहादत तक मैं आप पहुंचूंगा। तेरी सोच गलत है, गलत है तेरी सोच। एक काम तो तू वड्डा होके पढ़ लिख के तन ते वर्दी सजा के वर्दी कानून की सजा के फिर भी कर सकते। कानून ते पुतली का तुझा ना है लाला, ते नाले किस कानून की गल कर रहे हो जेड़ा आज तक मेरे प्यो दे कातला ने चेहरे नहीं शनाख कर सकिया। आज तो मेरा मिशन सिर्फ उन्हां कातला दी तराश है। जवानी आए न सांपी जाए।
सोने की कान है। ऐसे च रोजाना करोड़ा रुपया जमा ते तफरीक होता है। अगर असी इस बैंक दियां तजोनियां खोलने च कामयाब हो जाइए तो फिर इस शहर का सब तो वड्डा रईस तुहाडे सारिया का प्यू ए प्रिंस होगा। और बहुत ये सारा कुछ होगा किस तरह? ये मामूली गल है, बहुत मामूली। इधर आओ, तुहाडे चो अठ आदमी बैंक के अंदर कैश जमा करवाण जाणगे सिर्फ 100-100 रुपया। दो आदमी गेट से पैरा देणगे ते बाकी दो आदमी सड़क से दिफा करणगे। पर एक गल का खास ख्याल रवे, ये डकैती करांगे असीं पर ना ना दर बदमाश दा होवेगा। इस तरह साडा दुश्मन भी मर जाएगा ते लाठी नहीं टूटेगी। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन सर, साढ़े बैंक डाका पै गया। ब्लैडी फूल, तू अपनी वारदात मेरे पैरों से उठ के टुर जावे, अपनी गर्दन ला के आप ही चौगिश तंग जाए। रब ने तेरा ते साडा मेल कराए दिता है नादर, ते जंगल दे शेरा वांगो ऐ शहरी ची इको शेर जिंदा होना चाहिदा है। ओए पिंडे ते शेर दी खल पाके किदरा दा शजरा नसर नहीं बदल जांदा। ओए अज जस शेर दी उडारियां वेखेगा या आपी किदरा ने जड़ी जार लेगा। मैं कह नादर प्लान दसा कर, नोट लैके ना तो कार चल। किन्ने अफसोस की गल है कि चिट्टे दिन नादर बैंक लुट के लै गया। साहब नादर की नजर कौम का खजाना लुटना जुर्म ही नहीं, गुनाह भी है इंस्पैक्टर साहब। इस लिए मैं अपने नाम से लुटा हुआ कौमी खजाना सारी रकम लैके तुहाडे कोल वापस आ गया। मैं माल लैके हाजिर हो गया वहां पर वेख रहे थे, बयानत नहीं हुई।
तू बदमाश हो के भी किन्ना रोशन ख्याल है। बदमाश तो मैंने तुहाड़े मुआशरे ने बनाया साहब जी, नहीं तो नादर से हर शरीफ शहरी का खादम। मैं उन्हें इजाजत दियो, रब रख। अपने पैरों हथे चंद्रे मार ले नादर। दुश्मन ने मेरे नाते डकैती की है, मैं तो माल भी थाने दे आया ना। फिर भी मैं तेन वार्निंग देना नादर, जे तू बदमाशी वालों कंध ना की समझ रहे तेरा मेरा रिश्ता टुट जाएगा। ठीक है नादर, जे हूं कभी तू सुने कि मैं इंतकाम दे रहा तो जाते की है कि बेशक मेरे वालों कण कर ले। पिछली सीट से साड़ा कोई समान पे आया है, साड़ा पीछा कर रही है और सानू अपने समान दे नाल तेरी गड्डी भी चाहिए। लेकिन तुस बस बस तू तो मैं करने की कोई लोड़ नहीं, थले उतर गड्डी साड़े हवाले कर। मोहतरमा एक गड्डी भी कुछ देर हवाले करनी पड़ेगी, एक गड्डी भी शामिल तफ्तीश है, फिर तानू वापस कर देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुसी ले जा सकते हो। जख्म गहरा ते नहीं? लाला तू लेके ले कार चढ़िया। नहीं 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 तुसी गड्डी बैठो, तुहाड़ा ब्लड निकल रहा है, तुहानू हॉस्पिटल पहुंचा देगा जब तक मैं अपने दुश्मन की शहर तक नहीं पहुंच जाता। मेरे सालों ने मैं कही ना मैं मोहसिन खान से तू रीना इधर वेख मैं तेन जेल में लगना कि दीना मैं कहनी तेन आता भी है यार कौन है कमीना मारो क्यों मार रहे हो? मारन नहीं डर मेरे कपड़े चार रहे बेटे, ये बहुत बदतमीज हो गया, जीना ने इश्क के पागल हो गया। हे हां इश्क भी करती है ने आ इतवार वाले दिन टाइम ले कर करा लेंगे। मालसन मैं कहता हूं कभी कभी का ही नहीं पाया। अई का ही नहीं पाया, तुम्हारे घर का होता ही नहीं, तुम पाने कि मलंगा की नारे पानी जी। मैं करिए बकवास बंद करो तब आ जा तू हुन ले दफा चल अंदर चल मेरे नाल पहले तू चल मैं पजामे जी नाला पाउना चल। अच्छा गल सुनो ओफ अल्लाह बेटा दा भी बेटा असी खाने दी टेबल ते तेरा इंतजार कर रहे तू इतनी देर किथे रह गई बस कुछ ना कुछ छोड़े बेटा की होए होना की आज चंद गुंडिया ने पुलिस ते बचन दे वास्ते मेरी गड्डी च समगलिंग दा सामान रख लिया सी ते नाले मेरी गड्डी भी खोना चाहते सन।
इस दुनिया च ऐसे लोग भी मौजूद ने जेड़े किसी के काम आते ने। हाँ बेटा, कुछ ऐसे होंगे ने जेड़े दोस्तों के रूप च फरिश्ते, कुछ ऐसे होंगे ने जेड़े दुश्मन के रूप च शैतान। जली करंसी फड़ेगी ये बॉस। ते मैं की करा, रोवा पैर पावा या तुहाडे गले लगा। ओए ओ उतरे हो ने खतरे हो तुहाडे हाल। ओए किधरे तू ते इन्हां नूं नहीं पै गई सी बेटा जी। गल्लां दी लुकन मिटी खेडण दी बजाए ए पता करो जिस कारे नाल मत्था लाण वाला वो बदकिस्मत कौन है। वो एक गड्डी वाली सी, उंदी मदद एक टैक्सी ड्राइवर ने की थी। गड्डी वाली, खोए वाली, मलाई वाली, टूट वाली, ओए नक बिना के हत्ता ही चूड़ियां पवा के कोठे से बह जाओ। वो ऐसे एक कुड़ी ने तुहाडा हाल पड़ा दिता है। ओए शाकू ते नाले तमाकू, तेनू मेरा एक मशवर है। ओकी ओए कि तुसी सारे रल के पानी का एक छोटा जिहा प्याला लो, ते उसे अपनी नक डबो ते होते खाओ।
जदों पानी दे उस लश्कारे तुहानू उस टैक्सी ड्राइवर ते उस गड्डी वाली दी शकल नजर आवे ते फिर मैनू दसो मैं जाना ते ओ जाने ते तुसी जाओ। माई मर गई, माई मर गई, माई मर गई, माई मर गई। बोले साहिब जी तुहानू गिरफ्तार कर लेगी। तुसी नाचो मैडम। नहीं नहीं नहीं, ए सुनने ना, इंसाफ भी है, जाती है, ए मेरी मामा वर्गी, मैं इन्हां नू छड़ के किस तरह जा सकी। बल्कि प्लीज तुसी सारे मेरी मदद करो, इन्हां नू फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दो। मेरी माँ कैसी है? घबराने की कोई लोड़ नहीं मैडम, तुसी उन्हें कार ले जा सकते हो। थैंक गॉड, शुक्रिया माँ जी, बड़ी जान बच गई। एक घंटे दसो, ए तुहाडा कोई वाली वारिस नहीं है? भी ते नहीं भी की मतलब? सुहाग विछड़ी तीन लपन गया सी, ते आप गुआच गया, हाले तक वापस नहीं आया। इतनी बड़ी दुख की गल माँ जी, मेरी दुआ है रब करे ताड़े विछड़े तुम मिल जाए। वैसे माँ जी मैनू खुशी होगी अगर तुसी मैनू अपनी धी बना लो। क्यों नहीं पिए, तेरे विचों तो मैनू अपनी धी की खुशबू आती है। कभी कभी मेरे कोल आ जाएगा, मेरे दिल का पार हल्का हो जाएगा। क्यों नहीं माँ जी, मैं जरूर आवांगी। ते नाले पते की मेरी एक कोशिश भी हुई कि मेरे प्यारे तानू तड़ी सकी दीदी याद ना आवे। जी धीरे। अच्छा माँ जी मैं हूँ चली, तुसी आराम करो, ज्यादा सोचना नहीं, फिर जाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ? ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜਿਸਨੇ ਤੁਮਕੋ ਬਣਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। किस वेले तुसी मेरी दुकान पे आओ, तानू को नवे तमाशे नवे काम विखाइए। शौकी साहब जी, इजाजत है मैं इना नाल कोई गल कर सकनी? जी क्यों नहीं, इजाजत है। तुसी चुप क्यों? मेरा राह टक्कर दा मतलब वो केड़ा पागल आदमी है, तानू पता ही, एक जवान कुड़ी रात पे डक दिए तेरा, वो दा मतलब की है? शौकी साहब तुसी फिर बोल पे हो? हुण नहीं बोलंगा। तुसी साडा दिल कट लिया, हाले भी पूछते हो कि अस्ति तोड़ा रा क्यों डके? हाँ तो पागल दे नहीं। हाँ जे तुसी सानू ऐसे तरह नफरत करते रहे ते ऐसी पागल हो जावांगे। आहो ये पागल हो जाएगी, लोकां नी इटां चुक चुक के अपने कार सुटेगी। शट अप। अच्छा जी नादर पुहान, खैर कुछ मुंडे साड़ी बस्ती खाली कराना चाहते हैं, तुसी साडे नाल चलो। चल शौकी। बंदा तो ठीक है पर है जरा अखड़, कुछ करना पड़ेगा। ओए ओए मूर्खो, ऐ पस्ती ना गरीब बंदे सिर्फ फाल की जगह है, इन्हू अपने प्यो की शाम ना न बनाओ। ओए तारे दम कम कर। ओए कम करने वास्ते तो असीं आए हैं, और कम ये हो जा पावांगे कि तुहाडा कम मुका देंगे। फरियाद बुजुर्ग जी, बदमाशी तोड़ी, आजमाइश नादर जी,
चुप करके मेरे अगे लग चक्कर पाए नहीं ते जुस्से होश नु हाथ मारो शायद तेनू पता नहीं ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲਗਾ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਨਾਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਦਮਾਸ਼ੀ 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 ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਔਖਾ ਪੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡ ਮੋੜ ਲੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਰਕੀਬ ਆਈ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਲੈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸੀਕੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾਨਿਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੂਰੇ ਵਲੈਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏਂਗੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਇਹ ਵਜਾਏ ਬਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਤਵਾ 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 ਕਰੀਏ ਤਵਾ 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 ਤਵਾ
जी पंजाबी ना पठान जी सुन नहीं वेखदा कुछ नहीं वेखदा लुंगा नहीं वेखदा लंगा नहीं वेखदा दिल दी खातिर कटना पैंदा हाय नी बड़ा कसाला नहीं है कुछ दाल च काला काला नहीं है कुछ दाल च काला काला नहीं है कुछ दाल च काला काला है कुछ दाल च काला गरीब ते लाचार बच्चे ने फलां बहबूद ले पता नहीं की मेरे दिले च हलचल मच गई ते मैनू होश ही नहीं सी रहा किसी ते काम आना ही ते जिंदगी है शादमानी हाँ काम तो मैनू याद आया शैला मेरी एक मुंह बोली माँ है जेड़ी मैनू बहुत 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 प्यार करती है ते मेरे लिए हर वेले दुआवां ही करती रहती है हाँ अज मैं तेनू अपनी माँ नाल मिलावा ओ तेनू मिलके बहुत खुश होवेगी ते तू भी खुश होवेगी आ जा मेरे नाल क्यों मां जी मेरा भी दिल करता है मैं सदा तेरे कदम च रहा नहीं धीए धीआं सदा मापिया के कोल नहीं रहिंदियां उन्होंने पराए घर जाना ही पैंदा है पर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे ताकि मेरा मरना सौखा हो जाए तुसी हुकम ते करो मां जी मैनू अपनी तीन सूआ जोड़ा पाउण दा बड़ा ही शौक सी ले ए केड़ी गल तुसी मैनू सूआ जोड़ा पा के अपना शौक पूरा कर सकते एहो ते मैं चाहनी हां जीउंदी रहो तेरी लंबी उम्र होवे तेरे नेड़े कोई गम ना आवे शादमानी हुण सानू चलना चाहिदा बहुत देर हो गई है बाकी शैला देर ते बड़ी होगी मम्मी भी इंतजार कर रही है अच्छा माँ जी असि चल गया खुदा हाफिज सबके जावा उस माँ तो जिन्हें इन्नी फर्मा बरदार ते समझदार धी नूं जन्म दिता है मौजूद नादर के साथियों नूं उल्टा लटका के साबित कर दियो जिस पासे रीत का सूरज चढ़ता है
ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਹਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਮਰ ਗਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ अभी अभी यहाँ से कोई जनाजा गुजरा है जी सर अभी अभी गुजरा उसकी माँ मर गई थी माँ तो तुम्हारी मर गई इंस्पेक्टर जी सर बेवकूफ इंसान वो जनाजा नहीं हिरवन का फेरा था वो लोग तुमसे बचाकर ले गए फौरन उनका पीछा करो अरे आओ मेरे साथ कलमा शहादत कलमा शहादत ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਹੋਣ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
मुजरम कानून फुटबॉल समझ के खेड दे रहे ने ते तुसी आने तेरी बड़ी मेहरबानी नादर आज तू फिर कानून की मदद की दी है नहीं साहब जी मैं कानून न सान नहीं पानी चाहता ऐसे के जदों ही कानून नु असल मुजरम ना लभ्या उन्हें नादर नु बेगुनाह फड़ के ले जा ऐसी कोई गल नहीं नादर सारा कानून इक्को जिहा नहीं हुंदा ते फिर तुसी भी यकीन कर लो साहब कि हर बदमाश भी इक्को जिहा नहीं हुंदा चलो फड़ो माल अपने खाते पाके इंस्पेक्टर तो डिप्टी बन जाओ मैं ते इंतकाम दी मंजिल दा और आई हां जिहदी मंजिल सिर्फ दुश्मन दी मौत है बदमाश सानू केड़ी पुली पा के चला गया एदी बदमाशी दियां गल्लां चो ही सानू शराफत दी खुशबू आ गई है हेलो हेलो जीना लोलो बरजीदा की छोटी भैन जीना लोलो है हला भाई जीना मैं तेरा लाया महीना ते तू दूसरे दा सुंघदी फिरनी है पसीना देखना मैं कौड़े कमीना खुदा मार के नक कर देंगा फीन हेलो तुसी कौन बोल रहे हो ते असले किथू किथू बोल रहे हो बताओ ये कानी लगी है शदरिये जमाने दिए और कोठे टपड़िए और शदादी मेरी बन जा वीडियो सेंटर तेरे नाल आ देगा ओए रंग बिरंगी फिल्म रोन पे देखेगी हाथी जतो मैं कहां जाऊंगा मन लगता बड़ा तेरा ऊंट दे पैर जिदा मुंह है परे मुंह कर मुंह च बोल दी मैं की पता मैं बोले कौदा पता कर मजदूर थोड़े ने जो काम करेंगे हाली हसन खेडन दे दिन हसन खेड साडे ठीक है मैं सिर्फ ओदी बोरियत की वजह कह रहा वरना मेरी बेटी ते मेरी सारी जायदाद दी कली कली वारिस है सारी जिंदगी बह के ही खावे ते मुक नहीं सकती ओ डैड जिस तरह तुसी कहोगे उस तरह होवेगा शाबाश बेटा शाबाश मैनु तेरे कोलो एहो ही उम्मीद सी 48 हेलो प्रिंस 4 50 बड़ी बड़ी खुशखबरी बावन सुनोगे ते मैनू इनाम देने का दिल करेगा 53 पैसे ते फिलहाल मेरे कोल नहीं पर फिर भी वो केड़ी खुशखबरी है राजी जिन्होंने फाड़ी जारी करंसी फरवाई थी ते उहदी जिहड़ी कुड़ी सी उहदे प्यो दी तस्वीर मिल गई शहर तो भी वड्डी खुशखबरी है वे माई डियर ब्रदर के इहदा प्यो शहर का सब तो वड्डा सेठ है सेठ असी इस सेठ नु कंगा कर देंगे ये मंगदा फिरेगा बच्चिया वाले हो पायो वेक एक रोटी का सवाल है बाबा प्रिंस इन्हें सेठ की गल कर रही है कबूतर वांगो अखा मीट के बैठा हुआ अखा खोलन का वेला आ गया बेटा जी ये अखा भी खोलेगा ताड़े पैर ही देख के अपनी सारी जायदाद ताड़ी चोली पा देगा अच्छा पर मैनू तो टाइम लगता है फादरा ओए बेवकूफा ये ताड़ा चाचा सिकंदर है चाचा सारी उम्र बे औलाद रही है पता करो एक कुड़ी ने छुड़ा कितों आ डिगी है सानू एडे नाल की किसे आंले चो डिगी होवे या जमीन दी तह चो उगी होवे सानू ते एदी दौलत चाहीदी है सिर्फ दौलत ते उहदा रस्ता तुसी दसोगे फादरा
मैं तेन सब कुछ समझा दिया गा कान से कर ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇਠ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਨ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਣਦਾ ਬਾਂ ਦਈਏ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਲੰਦਨ ਰਿਟਰਨ ਮਿਸ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬੜਾਉਣ ਲਈ ਤਸ਼ੀਫ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਬਿਗ ਹੈਂਡ ਫੋਰ ਮਿਸ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ Money.
ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ੱਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਮਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਲਾਂਤੀ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੂਕ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਲਾਚਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਵਾਓ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ? ਅਕਲ ਕੋ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੈਨ। ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬਨੈਨ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਸੁੱਖ ਚੈਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਬੈਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡੈਨ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਉਹ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਕੈਸਟ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ? ਕੈਸਟ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗੁਫਾ ਕਿ ਜਗ ਸਾਰਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਖਦੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਚਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸ਼ੌਕੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਾਦਰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਟੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਜੀ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਨਾਦਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਖੜਾ ਖੋਤਾ ਇੱਥੇ ਦਰਗੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਚੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤ੍ਰੇੜ ਪਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਭੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣ ਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮੁਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਆਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬੈ ਬੈਠੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਮਨ ਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਕਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ
अच्छा अंकल मैनू जरा जल्दी सी, मैं तुम्हें सलाम करने आया सा, हूं मैं चलना। अच्छा बेटा याद आया, आज रात खाना कट्ठे खावांगे। तुहाडे नाल खाना ते मेरी जिंदगी दी सब तो वड्डी ख्वाहिश सी। काला कुल्लू भी बड़ा कमाल दा शेफ है। लो बेटा जी। थैंक यू डैडी। जी बेटा जी। ओ डैडी मैं 10,000 दी फौरी जरूरत है। बस लो बेटा जी शेफ दी चाबी, जिन्ना चाहिदा जे ले लो। ओ थैंक यू। नाले साडे पार्टनर प्रिंस नूं नहीं मिलोगे? इन्हां नूं इन्हां नूं मैं मिल भी चुकी हूँ ते वेख भी चुकी हूँ। तुहानू मिलके पहले भी खुशी हुई सी, हुण भी खुशी हुई है, ते इंशाल्लाह अगे खुशी खुशी रहेगी। हाय पर शायद मैनू ना होई होवे। ओके डैडी बाय। बाय बेटा बाय। तुसी बड़े कदरदार, तुसी भी किसे तो घट नहीं बेटा जी, इसलिए मैं फैसला किया कि अपनी बेटी की शादी तुहानू करके तुहानू हमेशा लई अपना पुत्र बना लो। थैंक यू ससुर जी। देखिए बेटा जी साडा तीर कैसा निशाने ते लगा। मन गया फादरा, तुसी ताज दे 52 दे 52 पत्ते अपने कोल रख लेंदे हो ते दूजे दे हाथ खाली जोकर दे देंदे हो, इसलिए ते ओ फौत हो जांदा है। हां जे तू इस तरह साडियां कोटा दे अमल करदा रिया दो दिन दूर नहीं जिस सिकंदर की सारी जायदाद साडे कोल होवे। हां ते नाले सिकंदर अंकल ती बेईमाने भी ओ शादमाने भी। क्यों बिरादरा? ओके बिरादरा। जिंदगी का फैसला करने तो पहला यह सोच लेना सी कि मेरा आइडियल प्रिंस नहीं कोई होर है। बेटा मैं जो कुछ भी किया सो समझ के किया, आखिर पापा में तेरा नाले औलाद दे मुस्तकबिल दी कमान हमेशा वालदैन दे हाथ ते चुंदी। ओ दौर गुजर चुके हैं डैडी, जो तिया अपने मां प्यो की इज्जत की खातिर अपने अरमाना नु दफन करके चुपचाप टोली बह जांदे सन। हुण ए मेरी इज्जत दा सवाल है, जबान दे चुका मैं प्रिंस नु, तैनु मेरा हुक्म मनना पवेगा। तानु अपना इरादा बदलना पवेगा। जे तकदीर ने तैनु गुस्ताख बना के मेरे सामने ले आंदा है तो फिर कान खोल के सुन ले, तेरी शादी उत्थे ही होगी जिथे मैं चाहूंगा। मैनू ते इंज लगता है जिवे तुसेरे पाप ही नहीं। शट अप। मेरी घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए इसलिए मैं वो घर छड़ के तुहाडे कोल आ गई। जो जोगिए जवान तियां मापिया की इज्जतों कुर्बान होंगे आईया ने, ना फरमान नहीं जा वापस तुर जा। मैं उस घर च रह के कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकती। उन्हां बेगुनाह मापिया लई कबर का हनेरा बन जाता है, कबर का हनेरा। चली जा, चली जा। पर मेरा उस घर नाल हुण कोई ताल्लुक नहीं। घरां नाल ताल्लुक खत्म करन वालियां नूं माशरा टिकण नहीं देता। मैनूं माशरे दी कोई परवाह नहीं। बेपरवाह होके तू इस माशरे विच जी नहीं सकदी। मैं पढ़ी लिखी हां, मैनूं अपने मुस्तकबिल दा फैसला करन दा पूरा पूरा हक होना चाहिए। ए हक मंगन वालियां कदी कदी अपने घर तों हमेशा लई जुदा हो जांदियां ने। आ मैं तैनूं तेरे घर छड्डावां। नहीं पता नहीं क्यों मैं दो अंडे लिया के प्लेट च रखे ने, इक अंडा खाधा है तेरी ती ते फिर नस गई है सेठा। अकबर
ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਹਵਰਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੋ ਜਾਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਨ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ। ਸੁਣ ਸਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ, ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਖੁਦਗਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਥ ਯਾਰ ਵੱਲ ਕੱਢ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਪਿਊਕ ਬਣੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਇਲਤਜਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪੱਕੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰ। ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੱਸੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਚੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁੜਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ, ਸੇਠ ਮਰ ਗਿਆ?
मस्जिद ऐलान करवावा, गुलाह का बंदोबस्त करा। नहीं बॉस, उन्हें अपनी तीस शादमानी के रिश्ते की हां अपने यार अकबर के पुत्र कर देती है। फिर की होया मिस्टर शकील, वो तो हूं सिर्फ नादा ही सेठ है, क्योंकि वो अपनी बेवकूफी नाल अपनी सारी जायदाद मेरे नाम मुंतकिल कर चुके हैं, ते उदा मेरे को अमली सबूत है। वो किस तरह बॉस? उसे अपने दस्तखत है जेड़े सामते उन्हें अपने हाथी किते सन। मान गया बॉस, तुसी भी शराफत का यहोजा जाल बिछाया है कि वो बगैर वेखो ही दस्तखत करता गया है। अच्छा फिर खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। ए शराफत का पाल आप चल के सतनाश को लाया है। खैर है, कोई भाजड़ पै गई है या बदमाशा ना सांझ पानी है? तेरी सोच का सफर जेड़ी गल नू मर्जी मंजिल बना लवे, पर मैं ते तेनू अज भी अपरा समझ लगदा है। तू मनु पालन का हक वसूल करना चाहे? हक ते तू सारी जिंदगी अदा करना चाहे ते नहीं अदा कर सकता। नादर ने कदे अपने सिर ते किसी का पार नहीं रखा। लाला दस की कीमत लाना है? कीमत मैं तेन अपना जवाई बनाना। लाला भरा तो तू बन नहीं सकिया बेईमाना, शायद जवाई में ते मेरे यार दी रूह खुश हो जावे। मैं ब्याह करने से इनकार करना वाला लाला। पर क्यों? इंतकाम सिर्फ प्यो दे। जे मैं इंतकाम दे बारूद दे तुए चो पच निकलिया तो ब्याह भी कर लांगा। लगदा है इंतकाम दी अग ने इनू पागल कर दिता है। मेरा मासूम दी जान लेने वाले अकेला कर सुना रहा हूं। ये है बीबी? मेरी गली गली करने वाले हैं, तेरा नामो निशान मिट जाए। क्यों है? होना की सी किसे जालम ने जाली धोइया बना के मेरी गली गली कर दी थी। मेरी गली गली कर दी जाली धोइया। हैरान की इस गल दी है कि मेरी फैक्ट्री च जाली दवाइयां तैयार होती रही है, तो तू नमक हरामी करके हराम की कमाई खांदा रहा है। ए बिल्कुल झूठ है सर, मैं जुर्म शामिल नहीं सा। जुर्म साबित करना अदालत का काम है। मैं तुहानू जाली दवाइयां बनाने के जुर्म च गिरफ्तार करना। यू आर अंडर अरेस्ट। ये नहीं हो सकता, मैं तेरी सारी गल समझ गया। पर एक गल का ख्याल रखे अब्बा जी के दुश्मन बड़ा होशियार। तू फिक्र ना कर, जे मैं अपने यार सिकंदर दे हत्था ते लगी हथकड़ी दा रुख दुश्मना दे हत्था वल न मोड़ दिता ते मेरा नाम भी अकबर नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाड, अदालत के कठेरे में खड़ा ये मुल्जिम सेठ सिकंदर शराफत का लिबादा ओढ़े वो खतरनाक मुजरिम है, जिसका दौलत की खातिर इंसानी जिंदगियों से खेलना एक मशगला है। इसने जहरी दवाइयों का कारोबार करके हाल ही में एक मासूम बच्चे की जान ली है। अगर कानून ऐसे मुजरिमों के साथ नरम सलूक कर रहा है कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, मैं तो गुरबत की चौपड़ी चक खोली सी। सच्चाई नू अपना ईमान, सदाकत नू अपना उसूल बना के टुरदा ते जिंदगी दी मुश्किल रावां तय करदा रहा। रब ने मेरी मां फड़ ली ते मैनु दौलत तो माला माल कर दिता। उस दौलत नाल मैं अपनी दवाइयां दी एक फैक्ट्री बनाई, जिदे चो मैं अल्लाह जानदा है सिर्फ और सिर्फ रिज़्क हलाल कमांदा रहा। तो फिर ये जाली दवाइयां कौन बनाता रहा? जनाबे आला, जाली दवाइयां ये नहीं बनाता जनाबे आला, ये तो शरीफ आदमी है, तो शराफत का डंगिया होया है। तुम कौन हो? तो भी जनाबे आला, पर इस केस का सब तो उल्टा सबूत मैं अपने नाल लेके आया वा। इजाजत हो वैसे मैं कुछ अर्ज करा। इजाजत है। शुक्रिया। जनाबे आला,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ 40 ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਨਾਬ ਆਲਾ, ਮੁਜਰਮ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਬੋਲ ਅਕਬਰ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋ ਰਿਹਾ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਟਕੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਰ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇਸਟ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਖਬੀਰ? ਕਿਉਂ ਟੈਕਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਟੈਕਸੀ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਓ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਤਿਸ਼ਕਾਰਾ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਮੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਜਨਾਬ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਨੇ। ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੈ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਓਏ ਮੋਤੀਆ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿਓ। ਆਓ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਤਰੋ ਉਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਧੱਕਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਉਤਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਹ ਫੜੋ ਇਸ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਕੋਈ ਹੈ? ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਰ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਿੰਸ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸਾ ਫਾਦਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ
कुछ मैं कह रहा हूं तू उन्हें पल के शादमानी की शादी की तैयारी कर फिर मैं जाना तो मेरा दुश्मन जय ईराने दे इम्तिहान का मैदान लग ही गया है जाग पर रात सिर ते सिरे बन के कल ही आ जा जे बदमाशी की पूरी जंज भी डोली डकन आई तो एक भी नहीं बच के जाएगा एक भी अज तू ना कोई इनकार करी ते ना कोई व्यापार करी नादर चुप करके अपने मथे ते सिरे सजा ले ना ही मैं किसी का दर खरीद गुलाम हाँ ते ना ही मैनू विकर की आदत है तेनों किन्नी वारी क्या कि मेरे इंतकाम दे रचाउण की कोशिश ना कर लाला इधर ये ना होवे कि दुश्मन तक पहुंचने तो पहला मैनू तेरे इंतकाम दे पुल तो लंघना पै जाए अज तेरे दोवें गम पूरे हो जाएंगे किस तरह अपने मथे ते सिरे तू सजा ले तेरे प्यो दे कातलां नू मैं लिया ठीक है लाला तेरे कहन से अपनी जिंदगी की एक बारी बाजी फिर ला देने डोली बह के अकबर टैक्सी ड्राइवर से कहा जाती है या मेरे बेटे भी कह दी सयो शगना ने लगड़ी मेंदी शगना दी लगड़ी मंदी लाली अखियां दी ए पई कहंदी इयां जमदियां होन पराईयां होन पराईयां इयां जमदियां होन पराईयां नी होन पराईयां सयो शगना गड़ी में जमदियां होन पराईयां नी होन पराईयां
सजा ले नादर। पर तेरा वादा अजे पूरा क्यों नहीं होया? तू तो क्या सी कि सेरे दी लड़िया दे पीछे मेरे दुश्मन ने शैतान जिथे जिथे याद किया जाता है असि उथे अपन जाने बराब के चंदे अपने अपने कफन दफन का बंदोबस्त कर लो साड़ी कोई खुला नहीं वर्दिया गोलियां डोल दे पिंडे वजदिया चीहा दिया लाशा देखोगे ते लग पता जाऊगा नादर नायब बकत्ता वक्त अगर दुनिया की कोई ताकत बन नहीं मार सकती आज तोड़िया लाशा नू कोई शनाखत नहीं करेगा बदमाशी का सिलाब तेरे कन्ना तक आ गया अकबर होम टाइम टूबर तो कोई नहीं बचा सकता दिलावर पछाड़ है मैनू मैं उस मजलूम टैक्सी ड्राइवर का पुत्र हाँ जिन्हों तू अपनी ताकत दे नशे च मार दिता सी अज मैं तेनू एहो जी खौफनाक मौत मारांगा कि मौत भी त्रेली आ जाएगी अपनी धी नू मेरे पुत्र दी रन बना के खोण वालिया अज मैं तेरे कोलो तेरी जिंदगी खो के हमेशा लिए हिसाब बराबर कर दियांगा अपनी जबान बत्ती दंदा तले चित के गुंगा हो जाए अज नादर दा अजाब तेरे लई अजाब बनन लगई सुपर पावरा ने ए असला कमसला वासे बनाया है नादर ले फर सारी जिंदगी साढ़े रस्ते के कंडे चुकता रहे वैसे अच असि तेरे अगे आके गोलियां खा रहे हैं तो कोई तेरी ना खाती Thank you.
पासे वेख ले, तेरे खून दा छड़कारा करन वाले दिया मैं लाशा दे ढेर ला दिते ने। आ तक अस्पताल ले जा। नहीं नादर, नहीं, मौत एडी बेदीद नहीं कि मैनू अपनी जिंदगी दा कीता होया सब तो वड्डा वादा पूरा करन दी मोहलत ना देवे। चल मेरे नाल। सरदार, एक ही होया, एक ही होया।